और परसों मैंने आपके सामने इस बात को लाने के लिए कोशिश किया, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा होने की वजह से हमें पूरा पूरा उद्धार करने का ताकत रखता है। मैंने पहले दिन आपके सामने इस बात को रखने के लिए कोशिश किया था कि हमारे ऊपर पाप का दंड एक भारी पड़ा है, प्रभु ने उस दंड को मिटाने के लिए अपना जीवन को हमें देके हमें उद्धार के काम में लाया है करके भूतकाल के जो घटना है उसने मेरे लिए आपके लिए क्या कर सकता करके मैंने दिखाने के लिए कोशिश किया। कल मैंने न केवल पाप का दंड से हमें उद्धार पाने की आवश्यकता है परंतु की सामर्थ जो प्रतिदिन हम में हमारे शरीर के द्वारा कार्य करने के लिए हमेशा उपलब्ध है उससे विजय पाने के लिए उसने पवित्र आत्मा से हमें मामूर करके हमारे अंदर एक नया ताकत को एक विजय को जिंदगी को देने के लिए उसने प्रबंध किया जिसके द्वारा प्रतिदिन हमारा उद्धार का अनुभव में हम पवित्रता के ऊपर पवित्रता धार्मिकता के ऊपर धार्मिकता में आगे बढ़ते जाते करके मैंने कल कहा, जिसके चलते हमारा स्वभाव में हमारा बर्ताव में हमारा चाल चलन में हमारे बातों में हमारे सोच विचार में हमारे दृष्टिकोण में हमेशा एक महान परिवर्तन होता है जिससे बाइबल बतलाती है हम शारीरिक दशा में रहने के बावजूद भी विचार में चाल चलन में हम आत्मिक बनते करके मैंने कल आपके सामने वचन को पेश किया। मैं आज यह भी बतलाने के लिए चाहता हूं न केवल परमेश्वर हमारा भूतकाल की दंड जो आपके ऊपर मेरे ऊपर पाप के चलते पहला मनुष्य के पाप के चलते हमारे पूर्वजों के पाप के चलते हमारे अपने कर्म के चलते पड़ा था उसको उसने उठा लिया करके मैंने कहा था। मैंने यह भी दिखाया लगातार वर्तमान काल के लिए भी परमेश्वर मेरे लिए उद्धार का अनुभव में आगे ले जाने के लिए हमें चलाने के लिए ताकत रखता है परंतु हमारा परमेश्वर हमारा उद्धार को पूरा करने के लिए पाप की उपस्थिति से हमें उठाने के लिए आने वाला है। हालेलुया। इस बात को महत्वपूर्णता को आपको सही ढंग से समझने के द्वारा आपके जीवन बिल्कुल एक नए दृष्टिकोण के साथ चलने के लिए पूरा पूरा उम्मीद है। इसलिए आज भी मैं उन बातों को थोड़ा सा याद दिलाते हुए मैं आपको आगे ले जाने के लिए चाहता हूं। मैं पहले एक वचन को आपको सुनाने के लिए चाहता हूं जिसको आप देखेंगे पहला तसलोनिकियों की पांचवा अध्याय उसका 23 पद को हम देखेंगे। पहला तसलोनिकी की पत्री उसका पांचवा अध्याय उसका 23 पद में यो लिखा है, हमारा बहन पढ़ के सुनाएगी। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करें, तुम्हारे आत्मा प्राण और सदे हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने समय तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा होवे। प्यारों यहां अन्य लोग भी रहते होंगे जो परमेश्वर में अभी आए हैं, आपको परमेश्वर के वचन की गहराई शायद इतना मालूम नहीं होगा। आप में से कुछ लोग बहुत सी बातों को जानते होंगे लेकिन दोनों को मन में रखते हुए कुछ बातों को आपके सामने मैं रखने के लिए चाहता हूं। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल ही एक किताब है जो परमेश्वर का वचन को मनुष्य के पास पहुंचाया है। इसी में ही यह लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में अपने समानता में बनाया करके। ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब क्या परमेश्वर मेरे जैसा काला है या आपके जैसा गोरा है? वैसा तो नहीं है,
क्या हमारे से हमारे जैसा इतने ही 5.5 फीट का है या आपके जैसा 7 फुट का है, ऐसा तो कह नहीं सकते हैं। सबको यही सोचते हैं, परंतु बाइबल ये हमें बतलाती है, गॉड क्रिएटेड यू एंड मी इन हिज नेचर एंड इन हिज स्ट्रक्चर। परमेश्वर ने आपको हमको अपने समानता में बनाएगा, मतलब उसका स्वभाव जैसा है उसी स्वभाव के साथ मनुष्य को बनाया। न केवल वही, मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है हमारा परमेश्वर तीन में एक, अर्थात पिता पुत्र पवित्र आत्मा के रूप में। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बतलाऊंगा, तब आपको मालूम होगा ये भैया क्या आप कहते हैं, आपका विश्वास क्या है करके। अन्य लोग भी मेरे चारों तरफ से सुनते हैं, उनको भी मन में रखते हैं, इस बात को कहने के लिए चाहता हूं। अगर आप एक फूल को ले लीजिएगा, फूल में तीन बातों को देखते हैं, एक है एक रूप है और उसमें एक रंग है और इसमें एक गंध है, एक महक है। ये तीनों मिलने के बाद उसको फूल कहते हैं। रंग महक नहीं है, महक रूप नहीं है, और तीनों को लेके ही हम कहते हैं ये फूल। हालेलुया, इस बात को मन में रखिएगा। प्रभु यीशु ने कहा, परमेश्वर के किसी ने, बाइबल बतलाती है, किसी ने कभी नहीं देखा। भैया अगर आपसे मैं कहूं एक लाल गुलाब को आप लाके मुझे दिखाएं, मैं कहूंगा मुझे लाल गुलाब का दरकार नहीं है, केवल लाल रंग का चाहिए कहेंगे। आप कहेंगे भैया आप रंग को गुलाब में ही देख सकते हैं, रंग को अलग करने का ताकत किसी के पास नहीं है। रंग जो है रंगे है और उसका अलग नहीं कर सकते हैं, आप रूप में उस रूप में ही देख सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा पिता को देखा है। हालेलुया, अगर आप परमेश्वर को पहचानना है और किसी बात से नहीं, किसी से नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह उसका साक्षात रूप में हमारे बीच में आया, आ उसके द्वारा पहचान सकते हैं। वैसे ही पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, उसको आप अनुभव कर सकते हैं। अगर आप दिखाने के लिए कहिएगा मैं दिखा नहीं सकूंगा, लेकिन उसका सुगंध से आप पहचानेंगे परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है, वहां उपलब्ध है। इसी प्रकार जिस प्रकार एक फूल में एक रूप है, रंग है, महक है, सुगंध है, इन तीनों का लेख ही हम फूल कहते हैं, उसी प्रकार पिता पुत्र पवित्र आत्मा के समान एक बहुत बड़ा अर्थ हमें निकलता है। परमेश्वर हमारा परमेश्वर, जिसका शब्द इब्रानी भाषा में एलोहिम, अनेक को एक में हम देख सकते हैं, इसी को मसीह लोग विश्वास करते हैं। अर्थात मेरे कहने का मतलब, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, अपने समानता में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, इसका मतलब जैसा तीन एक होके चले आया है, वैसे ही मुझ में आत्मा प्राण देह है, तब वे मनुष्य। हालेलुया, किसी धर्म में आप नहीं पाएंगे, दुनिया के कई धर्म के लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। मेरा सच्चे परमेश्वर का वचन ही इस बात को प्रकट करता है, हम में आत्मा है, प्राण है, शरीर है। थोड़ा बहुत नए लोगों के लिए इन बातों को बैठाने के बाद मैं आपको धीरे ले जाऊंगा, ताकि आप अपना उद्धार को अच्छी तरह से समझें। आपको मैं बतलाने के लिए चाहता हूं, इस बात को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दूर ले जाके फिर वचन में ले आऊंगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, हमारे आत्मा हमारे अंदर इस कार्य के लिए दिया गया है, परमेश्वर आत्मा है करके बाइबल बतलाती है। इसलिए आत्मा आत्मा के साथ संगति रख सकता है, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मा को दिया ताकि उसके साथ संगति रख सके। लेकिन असली मनुष्य प्राण, अंग्रेजी में कहते हैं सोल, मनुष्य लिविंग सोल है, वो जीवन कहते हैं, उस जीवन का शब्द
प्राण इसी को मनुष्य असली है, वो मनुष्य में रहता है और वो मनुष्य जीवित प्राणी होने के चलते बोल सकता है, खा सकता है, गा सकता है, नाच सकता है, घूम सकता है, फिर सकता है, उड़ सकता है, सब कुछ कर सकता है क्यों? जीवन के चलते। लेकिन आत्मा नहीं रहेगा तो परमेश्वर के साथ संबंध में नहीं रहेगा। हालेलुया। बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। शरीर मिट्टी से बनाया हुआ है, मिट्टी के साथ संबंध रखने के लिए, मिट्टी से बनाए हुए अन्य लोगों से संबंध रखने के लिए, इस संसार की चीजों से, संसार की बातों से संबंध करने के लिए परमेश्वर ने एक बर्तन के रूप में शरीर को दिया। इसमें आत्मा और प्राण वास करता है। प्यारा थोड़ा मन खोल के इन बातों को सुन लीजिएगा ताकि आपको मैं जो उद्धार के बारे में कह रहा हूं उसका अर्थ सही ढंग से मालूम हो। मैं आपके कहने के लिए चाहता हूं, मेरे पास एक सुंदर मोबाइल फोन है। अगर केवल मोबाइल फोन का खरीद के मैं रख के कहूंगा इस मोबाइल फोन को मैं खरीद लिया हूं, कोई काम का नहीं है। इसमें एक सिम लगाना पड़ता है, वो सिम रहने से भी काफी नहीं है, सिम को एक्टिवेट करना पड़ता है तब ये मोबाइल फोन का काम आता है। मेरी बात को समझ में आएगा? तो मोबाइल फोन आपका शरीर है, सिम जो है आपका दिया हुआ प्राण है, जीवन है। लेकिन कुछ लोगों के दिल में, उनके जीवन में आत्मा जो परमेश्वर का दिया हुआ अपने साथ संबंध रखने के लिए, उससे संबंध टूट गया, टावरे मिलता नहीं है क्योंकि एक्टिवेट हुआ ही नहीं है, उसके साथ जानकारी हुआ ही नहीं है। बगल वाला का हाथ पकड़ के पूछिए, आपका सिम एक्टिवेट हुआ है? मैं इसलिए इस नया भाषा का बोलता हूं क्योंकि तबे आपको मालूम होगा कि इसी से बच्चा समझता है। मेरा 12 महीना का पोता एक तो है, रात में उठ के फोन खोल के और उसको चालू करके अपने नानी को, दादी को फोन लगा के 11:30 बजे बुलाएगा। 1 साल पूरा नहीं हुआ है लेकिन उसको मालूम है किस नंबर को दबाना है, कहाँ दबाना है, और हमारे पास आएगा, बोलेगा दादा, इतना ही बोलता, इससे ज्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन अपना खुलेगा और एक गेम को, ट्रेन का खेल को मुझे दिखा कर सिखाता, यहां रखो करके। 1 साल है इसलिए उसके साथ ये सारी बातें मालूम हो गया। इसलिए मैं उस उदाहरण को दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके। बगल वाला से बोलिएगा, एक और बार बोलिएगा, आपका सिम एक्टिवेट हुआ है कि नहीं? ओहो, कुछ लोगों को तो सिम है। और कभी कभी हम जो है ना एक्टिवेट दिए बिना भी गाना सुनते हैं, जो फोटो के लिए उसको देख सकते हैं, अन्य बातों को इसमें शामिल कर सकते हैं, पहले का रिकॉर्ड किया हुआ सारी गीतों को सिम अगर एक्टिवेट नहीं है तो भी सुन सकते हैं। फ्लाइट में जाने से फ्लाइट वाला बोलेगा फ्लाइट मोड में लगा लो, इसका मतलब सिम से कट, तुम्हारा एक्टिवेशन से, तुम्हारा वो टावर से कट जाए, परंतु तुम्हारा से या काम करेगा। इसको हम लैपटॉप के रूप में मेल बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जाएगा नहीं। इसलिए पुरानी बातें याद है, गाना याद है, गाना के लिए नाचना याद है, और नाचते हैं, गाते हैं, खाते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु एक्टिवेट नहीं है क्योंकि वहां बातचीत नहीं हो पा रहा है। इसलिए आपका आत्मा जो है, जब तक पाप में रहिएगा, सुनिए, जब तक आप पाप में रहिएगा तब तक आपका आत्मा मरा हुआ हालत में है। बाइबल बतलाती है, पढ़िएगा एफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 1 और 2 पद को पढ़िएगा। एफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 1 और 2 पद को हम मेहरबानी से सुनेंगे। अध्याय एफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय का 1 पद से लेकर कैसा मरे थे पढ़िएगा, जो आपने आप अपने अपराधों और पापों के कारण
मरे हुए थे। भैया थोड़ा से देखिएगा, आप ध्यान से सुनिए जवान लोग, जवान लड़की लोग ध्यान से सुनिएगा, अगर आप पाप में जीवन बिताते हैं, अगर आप अधर्म में रहते हैं, आपके बारे में बाइबल बतलाती है आप नाचते हैं, गाते हैं, खाते हैं, तोड़ते हैं, फैशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु परमेश्वर के दृष्टिकोण में मरा हुआ हालत में, आपका आत्मा मरा हुआ हालत में जीवन है, प्राण है, क्रिया कर सकते हैं, शरीर में ही है परंतु आत्मा में मरे हुए हालत में है। पढ़िएगा आगे भी, जिनमें पहले ये संसार के रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उसका आत्मा का और संसार का एक हाकिम है, शैतान को बाइबल बतलाती है संसार का हाकिम है। ध्यान से सुनिए, संसार का हाकिम का आत्मा, हाकिम की आत्मा आप में कार्य करने के वजह से उस आत्मा के अनुसार चलते थे। सुनिए, अगर आप हमसे आके पूछेगा आप में कौन सा सिम लगा है, मैं कहूंगा एयरटेल लगा है या रिलायंस लगा है या डकोला टाटा का सिम लगा है या एयरटेल का लगाएंगे। बगल वाला से पूछे कौन सा सिम लगा है आपका यहाँ। कोई कोई वहां कह रहा ड्यूएल लगा है, ईश्वर का भी सिम लगा है, एयरटेल का भी लगा है, इसका मतलब दुनिया का भी लगा है। कभी कभी मीटिंग में इस प्रकार आते हैं अलेलुया कहते हैं, बाहर जाना थे हमारा सिम शिफ्ट हो जाता है, एक्टिवेशन दूसरा हो जाता है, हमारा स्टेशन दूसरा लगता है, वहां अमिताभ बच्चन चले आते हैं, शाहरुख खान चले आते हैं। बगल वाला से फिर हाथ मिला के पूछ लीजिए, चेहरा देके आंख में पूछेगा ड्यूएल तो नहीं लगा ना। क्योंकि मुंबई के मैं कई बार आ चुका हूं, मुंबई की कलीसिया को मैं देख चुका हूं, मुंबई के कलीसिया में 99% के लोगों को ड्यूएल लगा है। हेलो, मैं तो रात में चले जाऊंगा इसलिए आपको गम नहीं है, परेशान आज रात भर कर सकते हैं। आपके असलियत को दिखाने के लिए परमेश्वर का वचन में ये पाया जाता है, आत्मा जो संसार का आत्मा चलाए जाने के चलते पहले पाप में अधर्म में तुम रहे थे, इसलिए तुम्हारा परमेश्वर का दिया हुआ आत्मा बुथा हुआ था, मरा हुआ था, इसलिए मरे हुए हालत में थे। आगे भी पढ़ लीजिएगा, जो अभी आज्ञा न मानने वाले में जो कार्य करती है उनमें आप भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान। जिसने आत्मा में जीवन को नहीं पाया आ उनके समान सुबह से ही क्रोध के संतान थे, पाप का दंड हमारे पर था। मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा भाई, कान खोल के सुन लो मेरा परमेश्वर का वचन, आपको एक एक्सरे मिशन में नहीं सीटी स्कैन मिशन में लगा रहा है। आपका सीटी स्कैन मिशन में लगाएगा आपका सीटी, उसको उसके आप क्या जवाब देंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हमारी मेरी बेटी इस प्रकार के प्रश्न पूछने वाली थी 4 साल में, और वो धीरे धीरे आत्मा के भरपूरी में आई, वो हमारे लिए भविष्यवाणी करने वाली हो गई, और उसकी मुंह से जो बातें निकली अभी तक मेरा परिवार में मेरे बच्चों के सारे जीवन की इतिहास को वो उतनी उम्र में कह रही थी। ध्यान से सुनिएगा,
बहुत हम लोग से प्यार हो जाता था, बहुत हम लोग प्यार करते थे, बहुत जेंटल थी, स्कूल जाती थी। पांच उम्र में भी एक बहुत बड़ा स्कूल में जहां 3000 बच्चे पढ़ते हैं और टीचर लोग 100 से अधिक हैं, और वहां जाती थी और नर्सरी या एलकेजी में पढ़ती थी। अगर नया टीचर कोई एक दिन भी आएंगे और उनको अगर वो देख लेगी, आके पढ़ती थी, पापा पापा जो नया टीचर आया ना काम चोर है, पकड़ लेती थी आपने कैसा इंटरव्यू में इनका ले लिया, ये बहुत बड़ा काम चोर है, खाली फैशन करना जानती है, सिखाती खाती नहीं होगी, आप पूछिए ना करके बताए, अगर मैं पता लगाऊंगा ये कब तक ये साबित होगा। इस प्रकार एक बहुत बड़ा इंसाइट रखने वाली थी। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। और जब 7 उम्र की हुई और उसने एक दिन, मेरी पत्नी एक जगह में सेवकाई के लिए चली गई, वो मैं साथ रखा था, उसका पैर में दर्द आया और वो कह रही पापा पैर दर्द करता है। मैंने सोचा मम्मी नहीं है इसलिए इसको ऐसा बहानाबाजी कर रही है, लेकिन मम्मी जब उठाई और उसका दर्द नहीं गया, इसलिए हम अपने अस्पताल में, एक 150 बेड का अस्पताल हमारा है, उसमें हम जांच करने के लिए लगे। एक्सरे में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा, कोई विशेष डॉक्टर आए हुए थे कैंप के लिए, उनके दिखाए, उन्होंने कहा थोड़ा पट्टी बांध दिया ठीक हो जाएगा, दिखाई नहीं पड़ा। और फिर एक हफ्ता के बाद दर्द गया नहीं, इसलिए एक डॉक्टर ने कहा थोड़ा बायोप्सी करके देखिएगा, बायोप्सी करके थोड़ा सा मांस को निकाल के उसको मुंबई भेजा गया था जांचने के लिए, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं निकला, परंतु उसका दर्द के मारे वो पैर फूलने लगा, उसको हमको वेल्लूर ले जाना पड़ा। वेल्लूर में जब लोगों ने सीटी मशीन में डाला तब डॉक्टर लोग पहचाने इसका सिर से लेकर पांव तक बोन की कैंसर है। कान खोल के सुनिएगा, क्योंकि उस बच्ची की मां जब वो गर्भवती थी, इस बच्चे को खत्म करने के लिए कई गोलियां खाने के चलते उसका सिर से लेकर पांव तक बोन में इस प्रकार के कैंसर, जिसको छूने से दर्द होता था, उस बात को हमारे पास एक सुंदर अच्छे एक्सरे मशीन होने के बावजूद भी, डॉक्टर ऊपर से जांचने के बावजूद भी, उसका बायोप्सी मुंबई में बेस्ट लैबोरेटरी में होने के बावजूद भी पहचाना नहीं, लेकिन जब सीटी स्कैन में लगाएंगे पूरी तरह से मालूम होगा। शाम के समय परमेश्वर आपको सीटी स्कैन में लगाए आपका हालत क्या है, क्योंकि हम लोग यहां बहुत खुशी के साथ भाई अनिल कोचर के साथ, अन्य हमारे भाई जाशुआ के साथ यीशु मसीह के आगमन के लिए गीत गाए, बहुत अच्छा लगा मुझे। जैसे मैं घुस रहा था यीशु मसीह के आगमन के लिए, मालूम पड़ता है कि सब कोई तैयार है, लेकिन याद रखिएगा आप अपने को परखने के लिए परमेश्वर सहायता करने पाए आपका सिम किसके साथ जुड़ा है। एक और बार पूछ लीजिएगा, ड्यूअल तो नहीं ना है जब दुनिया में जाते हैं दुनिया लगता है, जब चर्च में जाते हैं चर्च लगता है, और फिर जब इस बंदाल से बाहर जाएंगे फिर वही। लिसन, मैं एक और जो एक बात को कहूंगा। एक दिन हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, एक सरदार जी डेगरियान सोन से आया और कहने लगा, एक सुंदर पत्नी को लाया, बड़ी सुंदर थी, और लाया खाने लगा, भैया दुआ कीजिए, बहन देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने कहा क्या बात है, मेरी पत्नी इतनी सुंदर, मैंने तो कहा तो मैं तो देख रहा हूं और इतनी सुंदर खाना पना बनाती है, आप एकदम बैठने के बाद उठने का मन नहीं कर, इतना सुगंधित बहुत सुंदर खाना बनाती है। मैंने कहा इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। वो कहने लगा ये सब तो ठीक है, एकदम घर में ऐसे सफाई के साथ रखती है, एकदम मालूम पड़ता चचाक चकल, लेकिन इसकी गलती क्या है, जब मैं पानी मांगूंगा बर्तन अच्छा से धो के ही पानी लाएगी, लेकिन आने के बाद थू करके थूके देगी खाना लगाने के लिए इतना अच्छा अच्छा खाना बनाएगी, और मेज में जाने के समय मेज में खाना लगाने के बाद खाना तो लगा देगी, इतना सुंदर खाना, उसके महक से खाने का मन करता होगा, लेकिन वो सब सब्जी में और चावल में फू 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 करेगी, कौन खाएगा भैया।
और कोई हमारा रिश्तेदार या हमारा दोस्त घर में आएंगे, बहुत प्रेम से बोलेगी आइए, लोग भाग जाता था। बिस्तरा बिछाने के लिए कहेंगे तो बिस्तरा बिछाएगी, एकदम सफेद सादर रहेगा, देखने से बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन बिछाने के बाद थू करके थूकते रहेगी, भैया हम लोग परेशान है, मेरे तीन तीन बच्चा भाग गया, घर में नहीं रहेंगे, ऐसे घर में कौन रहेंगे, ऐसे मम्मी के पास कैसे रहेंगे करके चिल्ला रहा है। अभी मुझे भी जाने का मन करता है, इसे लेके आया हूं, लेकिन वो बहन को देखने से मालूम पड़ता है एक मेमना जैसा कली थी, जैसा हम लोगों ने बुला के उसको घुटना में ठेकने के बोला, उसके अंदर से भूत निकला, थूकने का भूत। कोई वहां कह रहा है हमारे घर वाले कभी कभी थूकता, उसके अंदर भी भूत है क्या? मैं नहीं जानता, आप जाके बगाइएगा। हालेलुया, सुनिए सुनिए सुनिए, कभी कभी हमारे भीतर की जो आत्मा कार्य करती है उसको मैं बाहर से नहीं देख पाता हूं, उसकी क्रिया से कभी दिखाई नहीं पड़ता है, परंतु हमारा कनेक्शन सही नहीं रहने से हम इस हालत में होंगे, अगर कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं है, क्योंकि पहला यूहन्ना 5:12 में मेरा परमेश्वर का वचन में लिखा है, जिसके पास पुत्र यीशु मसीह है उसके पास जीवन है, जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, चाहे कितना करोड़पति भी क्यों ना हो, कितने ऊंचे पदवी में रहने वाला क्यों ना हो, कितना धूमधाम से रहने वाला हो, मेरा परमेश्वर की दृष्टि में वो एक मरा हुआ आदमी है। मरा हुआ आदमी गाता होगा सब कुछ करता होगा, परंतु परमेश्वर से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि वो उस आत्मा से जो संसार को चला रहा है वो सरदार उस आत्मा से जुड़ा हुआ है, इसलिए अपने मन की रास्तों में उस बात में चलता है। उसके बारे में बाइबल बतलाती है, क्रोध का संतान बनता है, क्रोध के संतानों के ऊपर एक बहुत बड़ा दंड रखा हुआ है, जिसके बारे में मैं पहले दिन बताया, कल भी थोड़ा बहुत बताया था। इसलिए उस महादंड से आपको बचाने के लिए उसका पहला एक काम करना पड़ा, उसका जीवन जो पवित्र है उस जीवन को मेरे अंदर उंडेलने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर अपना जान को दिया, उसके जीवन के द्वारा मुझे जीवन मिला। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तमिल में से एक हिंदी में एक गीत को हम लोगों ने अनुवाद किया, फादर बर्कमैन का था, बहुत लोग गाते हैं हालेलुया, उसमें एक अंतरिक मैं गाने के लिए चाहता हूं, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया, मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया, मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता गया है। 50 साल से मैं चिल्लाते ये कह सकता हूं, कोने कोने में कह सकता हूं, चाहे मेरे ओर बंदूक भी लगाया जाए, हालेलुया हालेलुया। ये तो पुराने हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर करके रखने के चलते मुझे एक नया जीवन मिला, मेरा आत्मा में जीवन आया है। अभी रह गया सवाल, भैया आत्मा तो एक
एक नया जीवन में चले आया है, इसलिए हम गाते आत्मा में होके। और जैसा भाई ने कहा, गाया था, मेरे रूह तुझे पुकारती है, आओ मेरी जान तू ही है करके हम गा सकते हैं, अगर हम प्रभु को दिल में ग्रहण किए हो तो। अन्यथा खाली वो गीते रह सकता है। अगर आपका संबंध आपके परमेश्वर के साथ हो गया तो आपको कैसा मालूम है, इसमें वहां लाइन लग गया, आप हेलो कहेंगे, वहां से जवाब आ रहा बोलिए ना। मैं आपसे पूछने के लिए जाता हूं, आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं? पूछे पूछे बगल वाला से, परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं कभी? मेरी बेड़े मेरी आवाज को सुनाओगे सुनाएंगे? मेरा प्रभु ने कहा, मैं परमेश्वर की आवाज को सुनता हूं। हालेलुया। उसका वचन को पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना के समय में, गीतों के द्वारा, किसी के भविष्यवाणी के द्वारा, मैं परमेश्वर की आवाज को सफाई से सुनता हूं, क्योंकि मेरा कनेक्शन वहां लगा है, बीच में कॉल ड्रॉप होता नहीं है। हालेलुया। जब तक मैं फोन को नहीं रखूं, तब तक वो लाइन में रहा नहीं रहता, ऑनलाइन में ही रहता है। प्रभु का वचन में लिखा, तेरा पुकारने के पहले मैं सुनूंगा। हालेलुया हालेलुया। कितना सौभाग्य की बात है, कितना सौभाग्य की बात है। बिहार में एक आदमी आया एक दिन, हमारा सेवकों के लिए 3 दिन की उपवास था, ये चले आया। मैंने उसको देख के कहा, भैया ये तो सेवकों के लिए रखा गया है, लेकिन आप नया नया दिखाई पड़ते हैं, आप कौन हैं? उसने कहा, भैया क्या कहेंगे, मैं 35 साल गुमराह में, मैं 35 साल अंधापन में था, मैं नहीं जानता था, लेकिन मैं अभी आया हूं, मेरा सेवक जिसने मुझे प्रभु में लाया है बोला कि चलो मैं भैया से मुलाकात करा दूंगा करके ले आया है। मैंने कहा क्या हुआ 45 साल? उसने कहा मेरा 15 उम्र से, अभी 50 उम्र का हूं, मेरी बात को सुनिएगा, 15 उम्र से 50 उम्र तक वो एक दुकान चलाता है, अच्छा व्यापार है, अच्छा धंधा है, उसका आमदनी बहुत है। और वो 15 साल की उम्र से 35 बरस अर्थात 50 साल तक अपने गांव के बगल में एक साधु जी का पांव धोके पी रहा था, किसी पानी को नहीं पिया। उसने कहा मुझे ये किसी ने कह दिया मेरा उद्धार के लिए, इस बाबा का पांव को धो के पियो, तो इसलिए मैं 15 साल की उम्र से 50 साल की उम्र तक उन्हीं का पांव धोया हुआ पानी को ही पीता था, अन्यथा किसी पानी को नहीं पीता था, लेकिन बाबा तो गुंगा थे इसलिए बोले नहीं। और उनका नाम है गुंगा बाबा है, वो कभी बोला ही नहीं है, और मुझे देखता था, और मेरा पांव मैं जब धोने के लिए जाता था पांव को देता था, मैं पांव धो के ले आता था, बस कभी एक शब्द भी नहीं बोला, कभी हाथ बढ़ाया भी नहीं। बाबा तो हैं, और हमारा गांव के सब लोग जाते थे, मैं भी जाता था, किसी ने मुझे बताया मुक्ति पाना है, अगर उद्धार पाना है उसका पांव धो के पियो। तो मैंने कहा कि आप यहां कैसे आए भाई? एक दिन आपका सेवक ने एक किताब को मुझे दिया, उसका ऊपर का पन्ना में एक तस्वीर दिया गया था, एक का पैर को दूसरे के धोते हुए एक सीन था, दोनों का चेहरा दिखाई नहीं पड़ा, पांव को देखे और धोते हुए एक आदमी को देखे पानी डालते हुए। मैंने कहा मेरा तस्वीर यहां कैसे आया है? उससे पूछा भैया आप तो मेरा तस्वीर का छपा के नोटिस बांट रहे हैं, क्या बात है? उसने कहा क्या है वो, मैंने उसके कहानी बताई, ना 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 ना, ये गुरु अपने चेलों का पैर धो रहा है। मैं तो गुरु का पैर धोता हूं, लेकिन यहां गुरु चेला का पैर धो रहा। तो उस भाई के साथ मैं गया, उन्होंने बाइबल में से दिखाया यूहन्ना रचित सुसमाचार में किस प्रकार महान एक गुरु जिसने मृतों को जिलाया, जिसने अपने बोली से अंधों को आंख दी, जिसने जितने लोगों को उसने कष्ट से छुड़ाया, जितने लोगों को नया जीवन दिया, उस महान गुरु 5 रोटी से 5,000 पुरुषों के खिलाने का ताकत रखना वो गुरु। हाँ, अगर चेलों को पैर को धो सकता है, मैं उस गुरु को जागता हूं करके मैं उसी दिन उस सेवक के साथ घुटना में आके मैंने कहा हे गुरुजी, मैं गलत गुरु के पास गया, गुंगा गुरु के पास।
लेकिन अभी तू बोलने वाला है। मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, उस बंदा ने कहा, मैं घुटना में आके रो रो के अपने 35 साल का जो उधार के चक्कर में प्यासा में मैं इस प्रकार का पानी पी रहा था, वहां वहां से एक शब्द को सुना, मैं जो जल देता हूं उसके पीने वाला कभी प्यासा नहीं होता करके एक आवाज को मैंने कान में सुना। मैं नहीं जानता था बाइबल, मैं कभी बाइबल देखा नहीं था, मैंने मेरे कान में आवाज आई, जो मेरा दिया हुआ जीवन का जल में से पीता है वो कभी प्यासा नहीं होगा करके आवाज को सुना। मैंने उस सेवक से पूछा, अरे भैया ये शब्द मैं सुन रहा हूं। उसने बाइबल खोल के दिखाया, यीशु मसीह का वचन को, उसी वचन को मैंने जब पढ़ा नहीं, देखा नहीं, बाइबल को जानता नहीं, वे रखा तो मैंने कहा ये जिंदा गुरु है, ये ही मेरा उद्धार करने का ताकत रखता है। उसी दिन से मैं उसके आवाज को सुनता हूं, जब कभी घुटने में आता हूं, जब कभी मैं उसके पास जाता हूं, वो मुझसे बातचीत करता है, मैं बातों को सुन के उसका विकरण करता हूं। 4 महीना हो गया, मैंने कहा भैया हमको भी ले जाइए बड़े भैया से मुलाकात करने के लिए, मुझसे मुलाकात कराने के लिए ले आया। We have a God who speaks. हमारा परमेश्वर बोलने वाला है, उसकी आवाज हम सुन सकते हैं अगर आपका कनेक्शन ठीक है। फिर से पूछिएगा, कनेक्शन ठीक हुआ कि नहीं, नंबर तो गलत नहीं लगाना। अगर नहीं सुने कम से कम अभी जाके, प्रभु ये भैया आया बिहार से बोलता है, आप बोलने वाला परमेश्वर, आपकी आवाज को सुनना है, हम तो इतना दिन सुनाते रहे लेकिन आप तो कम से कम बोलिएगा, इसलिए बोलने के लिए अपने को दीजिएगा। वो बोलेगा बोलेगा बोलेगा, उसकी आवाज सुनने वाला धन्य है। जब हम उस आवाज को सुन के उसके पास चलने के लिए कोशिश करते हैं, हम आत्मिक बनते हैं, परंतु हमारे शरीर की दशा में, कल जैसा मैंने कहा, हम परेशान होके शारीरिक दशा में गिरने के लिए डर है, लेकिन इसलिए वो अपना आत्मा मेरे अंदर देखे, मेरी आत्मा के साथ संभाल के मुझे खड़ा रखता है, मैं आत्मिक जीवन को सही ढंग से बिता सकें। इसलिए मैंने कल कहा था, जो कोई पवित्र आत्मा पाता है, शारीरिक कामों को, शरीर की अभिलाषाओं को, शरीर की लालच को और उन आत्मा के बल से मारता है, वो विजय प्राप्त करता है। इसलिए बाइबल बतलाती है, जो कोई विजय पाएगा वो जीवन का वृक्ष का फल पाएगा, और न केवल जो कोई विजय पाएगा, प्रभु यीशु मसीह कहता मेरे साथ मैं जिस सिंहासन पर बैठा हूं उस सिंहासन पर बैठाएंगे। एक ऊंचे आवाज से यीशु मसीह को धन्यवाद दे रहे, हालेलुया। अगर मोदी साहब से हो या आपके मुख्यमंत्री से हो, बोलिएगा एक दिन के लिए उतर के चले आइएगा, मैं आपके गद्दी पर थोड़ा बैठ के देखूं कैसा लगता है करके, एक घंटा के लिए नहीं चलेगा। मुलायम सिंह यादव छोड़ता नहीं है, अपना बेटा के लिए छोड़ता नहीं है। बेटा ने कहा बुड्ढा हो गया है घर जाओ, हम तमिलनाडु में जाइए, कलंजर छोड़ता नहीं है। तुम वर्किंग प्रेसिडेंट रह सकता लेकिन प्रेसिडेंट मैं ही रहूंगा। बुड्ढा हो गया, 93 बरस हो गया, लेकिन कब्र में जाने के लिए पैर एक पैर वहां रखा लेकिन छोड़ता नहीं है। ये दुनिया है, लेकिन आकाश और पृथ्वी के बनाने वाला कहता, जो जय पाएगा मेरे साथ वो सिंहासन बैठेगा जिस सिंहासन का पिता ने मुझे दिया है। कितना महान परमेश्वर आपके लिए ऑफर करता है भैया, आपके लिए ऑफर करता है। उसी सिंहासन में जाने के लिए आपको वो एक काम करने के लिए चाहता, आपका पूरा पूरा उद्धार करने के लिए इस पाप में संसार में, पाप से भरा हुआ संसार से आपको उठा के जहां केवल पवित्रता पाई जाती है उस राज्य का प्रजा बनाने के लिए चाहता है। पढ़िएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय पहले पद से लेकर पढ़िए बहन, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय पहले पद से लेकर पढ़िएगा, हम 3 पद तक बढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका पहले पद से लेकर 3 पद तक पढ़ेंगे। फिर जब प्रभु की, आप दूसरा गलत पढ़ रहे हैं, 14 चैप्टर, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो,
परमेश्वर पर विश्वास करो, मुझ पर भी विश्वास करो। क्यों यीशु कहता है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान तो है, यदि नहीं होते मैं तुमसे कह देता, क्योंकि तुम मेरा दोस्त है, कुछ बात को छिपाता नहीं हो। मैं तुझे दोस्त करके ग्रहण कर लिया, दास करके नहीं, दोस्त करके कहता हूं, इसलिए छिपाता नहीं हूं। और अगर नहीं होता मैं कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, मैं फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। वहां पाप नहीं है, वहां श्राप नहीं है, वहां उस राज्य में पाप का असर तक नहीं है, वहां बुराई नहीं है। उस जगह में ले जाने के लिए मेरा प्रभु आने वाला है। हालेलुया। आप पूछेंगे, भैया ये क्या नया संसार में ले जाएंगे? उस संसार के बारे में बाइबल कुछ बतलाती है करके आप पूछेंगे। मैं थोड़ा सा आपको एक झलक को दिखाने के लिए चाहता हूं। पढ़िएगा यशायाह नबी की किताब, उसका 11वां अध्याय। यशायाह नबी की किताब उसका 11वां अध्याय में उस नए जगत के बारे में, जिसके बारे में मेरा प्रभु ने कहा, जहां पाप के लिए जगह नहीं, जहां श्राप के लिए जगह नहीं, जहां बीमारी के लिए जगह नहीं, जहां रोने के लिए जगह नहीं, जहां आंसू के लिए जगह नहीं, जहां झगड़ा के लिए जगह नहीं, जहां बैर के लिए जगह नहीं, जहां ईर्ष्या के लिए जगह नहीं, उस जगह में किस प्रकार रहेगा करके मेरा परमेश्वर का वचन साफ बतलाती है। पढ़िएगा यशायाह नबी की किताब 11वां अध्याय और 5 पद से लेकर हम 9 पद तक पढ़ेंगे। उसको कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। उसका कमर का फटा जो है सच्चाई होगा। मुझे कमर में एक पट्टी बांधना पड़ गया, क्योंकि कमर में उम्र के चलते 70 उम्र का पार हो गया, थोड़ा हड्डी इधर उधर चलने के चलते थोड़ा सा रगड़ गया है, इसलिए मुझे बेल्ट पहनना पड़ता है। लेकिन मेरा परमेश्वर भी एक बेल्ट पहना है। मैं आज बेल्ट पहनते पहनते सोच रहा था, आप भी तो बेल्ट पहने हैं। आप भी तो बेल्ट पहने, लेकिन आप सच्चाई के बेल्ट पहने, लेकिन कंपनी का बेल्ट पहना मैं। हालेलुया। धार्मिकता और सच्चाई का बेल्ट पाना रहेगा। आगे, तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग, तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के साथ तरेगा, रहा करेगा, रहा करेगा, और चिता चिता बकरी बकरी के साथ, बकरी के बच्चे के साथ बैठा रहेगा, बकरी के बच्चे के साथ लेटा रहेगा, और बछड़ा बछड़ा और जवान सिंह, जवान सिंह और पाला हुआ बैल, पाला हुआ बैल, और तीनों इकट्ठे रहेंगे, तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का, एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा, उनका अगुवाई करेगा, गाय और रोशनी, गाय और बेर रिछनी रिठनी मिलकर चरेगी, मिलके चरेगी, और उनके बच्चे, और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, एक साथ इकट्ठे बैठेंगे, और सिंह सिंह जो है बैल बैल के जैसा भूसा खाया करेगा, भूसा खाया करेगा, दूध पीता बच्चा, दूध पीता बच्चा करेत के बिल पर, हाँ करेत के बिल पर खेलेगा, अपने उसका हाथ लगा के खेलेगा, लेकिन खरेत उसको छुएगा नहीं। और दूध छुड़ाया हुआ लड़का, दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाक के बिल में, नाक के बिल में हाथ डालेगा, हाथ डालेगा। आगे नौ, मेरे सारे पवित्र पर्वत, मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो दुख हो देगा, न तो कोई बुराई करने वाला होगा, न तो दुख देने वाला होगा, और न हानि करेगा, न तो हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से, यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी, ऐसे भर जाएगी भैया जैसा जल समुद्र। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हम कभी कभी अपना देश के बारे में सोचते हैं। बीते हफ्ते बेंगलुरु में लोग नया साल मनाए, लेकिन लड़की लोगों का हालत खराब, जिसका
वीडियो को मैंने देखा था, लड़की लोग जब रास्ता में गए तो उनको गैर के लोगों ने उनको कुकर्म करने के लिए खींच रहा था, क्योंकि सेफ्टी नहीं, बुरे विचार से उस लड़कियों के छिड़छाड़ किया। आज के पेपर में लिखा है 4 साल की लड़की के साथ तीन लोगों ने दुश्मन करके उस 4 साल की लड़की का गर्दन को दबा के मुआ भी दिया। बुराई का कोई सीमा नहीं है। ऐसा देश में है, कोई किसी के घर में मीट पका है और ये लोग जाके बोला गाय का मीट काया करके उसको मार ही दिया। ये हमारा देश है। अभी मैं पूछूंगा चाहता हूं भैया, जहां शेर और बकरी एक साथ चरेगी, सिंह जो है एकदम बैल के नहीं भूसा गाने का खाने का, उस जगह में चलेगा, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर उस जगह में मैं जीवन बिताने के लिए चाहता हूं करके कहने वाला हाथ उठा के दिखाइएगा। That is the kingdom we are waiting for. That is the kingdom we are waiting for. वही राज्य के चक्कर में है, उसी राज्य में ले जाने के लिए मेरा मसीह आ रहा है, पूरी तैयारी हो रही है, मेरा मसीह आ रहा है, पूरी तैयारी हो रही है, हमेशा वो राज करेगा, हम उसके हैं, ओ हमारा, हालेलुया, 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 मेरा मसीह आ रहा है। बगल वाला से बोलिए खुशी मनाइए, ऐसा देश में ले जाने के लिए मेरा मसीह आ रहा है, जहां दुष्ट के लिए जगह नहीं, जहां दुष्टता के लिए जगह नहीं है, हालेलुया, जहां आंसू नहीं है, जहां मृत्यु नहीं है, जहां बुराई नहीं है, उस देश में पवित्र शहर में जहां पाप का असर तक आपको छू नहीं सकता है, उस जगह में रखने के लिए, आपका पूरा पूरा उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु आ रहा है। इसी को बाइबल कहती है, आत्मा की आजादी हुई जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, प्राण में छुटकारा प्रतिदिन मिलता है पवित्र आत्मा के ताकत से, परंतु मेरा शरीर की छुटकारा होके मैं बदल जाऊंगा, उड़ जाऊंगा, बादलों पर उसके साथ चले जाऊंगा जब मेरा मसीह आएगा। इसी को बाइबल बतलाती है शरीर की उद्धार। पढ़िएगा रोमियों का आठवां अध्याय में एक वचन को मैं आपको दिखाने के लिए चाहता हूं, जो बाइबल साफ बतलाती है, ताकि आपको सच्चे तवर से सही ढंग से इन सारी बातों का जानकारी की आवश्यकता है, तब आपका मसीह जीवन, जो भी मसीह में आए हैं, जो नहीं आए हैं, उनको बतलाने के लिए भी आपको सुविधा रहेगा। 23 पद को पढ़िएगा। हाँ भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कहराते हैं लेपालक होने की, अर्थात अपने देह या शरीर छुटकारा का बाढ़ जो होते हैं। थाली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम यहां कहरते रहते हैं इस संसार में मेरे आंसू कब मिटेगा, मेरे बीमारी कब दूर होगी, मेरे तकलीफ का कब अंत होगा, इन सारी बातों से सारे संसार के लोग कहरते होंगे, विशेष तौर से वे जो पवित्र आत्मा से पाप तृप्त है, वे कहरते रहते हैं कब आएगा प्रभु, तू कब आएगा करके हम दिल में कहरते रहते हैं। उसी के कहते हैं देह की छुटकारा, मेरा
यीशु के अलावा आपको इस प्रकार पूरा 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 उद्धार करने के लिए कोई है नहीं, है नहीं, है नहीं। भाई अनिल कोचर ने कहा हम यहां धर्म परिवर्तन के लिए नहीं आए हैं, लेकिन आपके सुविधा की बातों को जो परमेश्वर के रास्ता के उसको बतलाने के लिए यहां एक सम्मेलन चलाया जा रहा है जिसमें आप शामिल हैं, अन्य लोग सुनते होंगे, परमेश्वर में से आप बातचीत करने पाए। इसलिए आप अभी देखना है कि आपको मोहर लगा है कि नहीं, क्योंकि बाइबल बतलाती है, पढ़िएगा एफिसियों की पत्री, एफिसियों की पत्री उसमें चार अध्याय में पौलुस इसके बारे में सही ढंग से लिखता है, उस बात को थोड़ा देखेंगे। 30वां पद से लेकर हम 32 पद तक पढ़ेंगे, एफिसियों की पत्री उसका चार अध्याय 30 से लेकर 32 तक पढ़ेंगे। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारा के दिन। सुनिए सुनिए शब्दों को थोड़ा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो, जिसके द्वारा तुम्हें छुटकारा का दिन के लिए छाप दी गई है, छाप दी गई है। बगल वाला से बोलिए, यीशु मसीह के पास जाने के लिए तो तैयार कर रहे हैं अपने को, बोलिए बोलिए बोलिए, थोड़ा हिला के बोलिएगा, आनंदित भी है, चाहते भी हैं, लेकिन मोहर पड़ा कि नहीं? हाँ, पवित्र आत्मा का चाप लगेगा तब्बे भैया आप छुटकारा के लिए इंतजार कर सकते हैं। अगर नहीं पड़ा रात में जाके बोलो भैया लगाइए हमारे मोहर लगाइए, मेरा शरीर भी उधार पाना। कितने लोग चाहते हैं शरीर भी उधार पाना है? हालेलुया। तो बाइबल साफ बतलाती है, एकदम साफ बतला, तुम्हारे छुटकारा का दिन के लिए तुम्हारे लिए जो मोहर पवित्र आत्मा ने दिया है उसको शोकित मत करो। कैसा शोकित कर सकते हैं उसको भी पढ़ लीजिएगा। सब प्रकार की कड़वाहट, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध, प्रकोप और क्रोध और कलह, कलह और निंदा, निंदा सब वैरभाव, सब प्रकार के भैरभाव समय तुम से दूर ही जाए, तुम में से दूर किए जाए। ये सारी बातें बाहर दिखाई नहीं पड़ता है, भीतर है, बाहर दिखाई नहीं पड़ता। कड़वापन कहां पर है? आपको चाट के देखें तब तक आप चलेगा, आपको चाटेंगे तो हमको नमकीन लगेगा। कड़वापन भीतर है, डा भीतर है, ईर्ष्या भीतर है, गलत विचार भीतर है। इसलिए कहता अगर पवित्र आत्मा ने तुम्हें मोहर लगाया, तुमको होशियार रह के ये बात को देखना है वो शोकित ना होने पाए। और इसके अलावा एक और वचन को भी पढ़ लीजिएगा, एक दूसरे पर कृपालु। इसलिए कल मैंने इस बात के ऊपर जोर दिया था, इसलिए मैं इसके केवल पढ़ रहा हूं। इसलिए एक दूसरे से कृपालु और करुणामय हो, और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने जैसे मसीह में तुम्हारे अपराध, मसीह में तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो, अन्यथा तुम पवित्र आत्मा जिसके चलते तुम्हें चाप लगी है उसको शोकित करते हो। भाई बहन, कल मैंने इसलिए इसके ऊपर जोर दिया, जैसा मसीह में परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा किया तुम्हें भी क्षमा करना है, तब भी पवित्र आत्मा शोकित नहीं रहेगा, खुश रहेगा, आनंदित रहेगा, उस दिन का इंतजार करेगा। और उस दिन आप गा सकते हैं, नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहां, नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहां, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर,
देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। जाने वाला गाय गाएंगे, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता। अभी आपके मन में यह प्रश्न आता होगा, जैसा यीशु मसीह के चेलों के दिल में एक बात आई थी, हे प्रभु यह संसार का अंत कब होगा, यह संसार में तेरे आने का क्या चिन्ह होगा। यीशु मसीह ने जब यरूशलेम शहर में मंदिर को जब देखे, लोग चक्की छोड़ रहे थे, यीशु ने कहा एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा, ऐसा समय आ रहा। तुरंत चेले घबरा गए, ऐसा इतना महल, इतना सुंदर भवन, मंच बना हुआ, मंजिल बनाया हुआ है, क्या एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा। हे प्रभु, इसका मतलब संसार अंत होने वाला है क्या, यह कब होगा, कैसा होगा, इसका चिन्ह क्या है। चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से कई बातों को पूछा। अगर मैं उन सारी बातों को तालिका लगा के आज की बातों को कहने के लिए चाहूंगा, आपके पास समय नहीं, मेरे पास भी समय नहीं है, इसलिए मैं केवल दो बात को मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। लेकिन उसके पहले एक वचन को पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस, दूसरा पत्रस के तीसरा अध्याय में मेरा परमेश्वर वचन में क्या लिखा है उसको थोड़ा देखेंगे और पढ़िएगा, और दसवां पद से ले दसवां पद को पढ़िएगा। दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय का दसवां पद को पढ़िएगा। परंतु प्रभु का दिन, प्रभु का दिन चोर के समान, चोर के समान आ पड़ेगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ शब्द से जाता रहेगा और तत्व जो है बहुत पिघल के जाएंगे और पृथ्वी और उसके ऊपर के सारी क्रियाएं जल जाएंगे। क्योंकि लिखा है सातवां पद में पर वर्तमान काल के कान खोल के सुन ले, वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा जिस वचन से ये बनाया गया, उसी वचन के द्वारा। मेरा बाइबल बतलाती है, आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर था, वो वचन परमेश्वर के साथ था, उस वचन देहधारी होके इस दुनिया में आया, उस वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए। बाप रे बाप, ये भैया इतना करोड़ों करोड़ रुपया लाके लगाए हैं, इतना बड़ा बड़ा मकान लगाए हैं, आपका बाइबल बतलाती है सब जलाया जाएगा। कोई वहां पीछे कर अभी है ना, मैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया हूं, 3 बेडरूम के हैं, आप हमको डराने के लिए आए क्या, जलाया जाएगा, तत्व पिघल जाएगा। होशियार रहेगा, ये तो आग से जलाए जाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। एक ओसामा बिन लादन के चलते 110 तल्ला का मकान एक क्षण में खत्म हो सकता है। ओसामा बिन लादन से लाखों बार शक्तिशाली परमेश्वर, जिसने मुंह के वचन से सारे भूमंडल का सृष्टि किया, उसके कहने से सारे पृथ्वी नहीं जल जाएगा। सुनिए, शायद मुझे यहां फिर आने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन आप कह सकते हैं, बिहार से एक आदमी आया था, चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, तैयार हो जाओ,
संसार की बातों पर मन लगाने की बातों को छोड़ के स्वर्ग राज्य की बात, जहां पाप नहीं है, जहां रहने के लिए, उद्धार को पूरा करने के लिए मसीह यीशु आएगा। आने के बाद अपने लोगों को ले जाएगा, उसके बाद ये बसम किया जाएगा करके मेरे बाइबल बतलाती है। समय नहीं है बतलाने के लिए, क्योंकि एक वचन को पढ़िएगा, लुका रचित सुसमाचार 21 अध्याय है, लुका रचित सुसमाचार 21 अध्याय है, और वहां पर एकदम प्रभु यीशु ने बहुत सफाई से कहा, इसलिए इस वचन को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। लुका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय है, उसका 33 पद से लेकर 36 पद तक पढ़िएगा। लुका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय है, उसका 33 पद से लेकर 36 पद तक पढ़िएगा। आकाश और पृथ्वी ठल जाएंगी, परंतु मेरी बातें कभी नहीं ठलेंगी। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन कुमार, इसका मतलब ये कहेंगे, चाइनीज कहेंगे, थाई फूड कहेंगे, जापानी कहेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, उसी में डूबने ना पाए। मतवालापन, इस जीवन की चिंता, उसके चलते तुम्हारा हृदय उसी चिंता में लड़के सुस्त ना होने पाए। वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़ेगा, क्योंकि वो सारे पृथ्वी के रहने वालों के ऊपर इस प्रकार आप पड़ेंगे। इसलिए जागते रहो और उस समय प्रार्थना, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब बातों से बचकर आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बना। बगल वाला से बोलिएगा, कान खोल के सुन लीजिए, अच्छा से कान खोल के सुन लीजिए, आपका खड़ा होने के लिए, घटना से बचने के लिए, आग से बचने के लिए दुआ करो, चिंता में डूबो मत। कोई कहता चिंता करते करते बाल उड़ गया भैया। इसलिए आजकल 15 साल के लड़कों को भी चिंता करते करते बाल पक गया। इतना पक गया है और चिंता में डूब गया है। चिंता मत करो। अगर तुम्हारी आंखें स्वर्ग राज्य के ऊपर रहेगा, अगर तुम्हारे नजर ऊपर रहेगा, मुझे परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य जीवन बिताना है, तब आनंदित और मगन होंगे। मैं एक ही बात को खाने के लिए चाहता हूं, क्योंकि समय तो मेरा समय खत्म हो गया, अभी अनिल कोचर का समय आया है, लेकिन उसके पहले मैं आपका खाने के लिए चाहता हूं एक बात को। भैया आप तो कह रहे हैं अंतिम दिन है, बहुत सी बातें बाइबल में लिखी गई है, मनुष्य कैसा रहेगा, पॉलिटिक्स कैसा रहेगा, देश विदेश के लोग कैसे रहेंगे, देश के लोगों के विचार क्या रहेगा, नेताओं के विचार क्या रहेगा, कौन जीता रहेगा, किसके विचार क्या रहेगा, इन सारी बातों को तो बाइबल में सफाई से लिखा। लेकिन मैं एक बात को कहता हूं जिसमें अभी फिलहाल हिंदुस्तान के लोग बहुत रफ्तार से चल रहे हैं। एक समय के बारे में बाइबल बतलाती है, कैसा समय है पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय, मैं एक ही बात को कह के मैं उनके हाथ में लूंगा। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 16-17-18 पद को पढ़ने जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय उसका 16-17-18 पद को पढ़िएगा। उसने जितने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ में या उनके माथे पर एक एक छाप लगाया। सुनिए, आज अगर आप पत्रिका उठा के हिंदू पत्रिका को पढ़िएगा, आज एक इकोनॉमिस्ट एक्सपर्ट हिंदुस्तान के बारे में नहीं पूरे विश्व के बारे में कहने वाला कह सकता है 2020 तक हमारे हिंदुस्तान में एटीएम का कोई काम नहीं रहेगा, खाली पान दुकान बनेगा। एटीएम क्या बनेगा?
पान दुकान बनेगा, एटीएम का मशीन का कोई काम नहीं रहेगा, क्रेडिट कार्ड का कोई उपयोग नहीं रहेगा, और क्रेडिट कार्ड का नहीं डेबिट कार्ड का भी कोई उपयोग नहीं रहेगा। चेक का तो काम अभी खत्म है, इसलिए हमारा प्रधानमंत्री ने आपको कह दिया मोबाइल में उंगली लगाओ तुम्हारा पैसा पास हो गया, इसलिए BHIM बिम लगा दिया। बगल वाला से पूछिए बिम में हाथ लगाने जा रहे हैं याद रखिए। अभी क्रेडिट कार्ड केवल जीभ साफ करने के लिए काम आएगा, तुम्हारा बैंक में करोड़ों रुपया भी रहेगा केवल जीभ में लगाने के लिए काम आएगा तुम्हारा क्रेडिट कार्ड। जिससे जिसे KFC में मैकडोनाल्ड में खींच खींच के पैसा देते हो ना, वो सब अभी केवल नाक में खींचने के लिए आएगा। सुनिए ध्यान से सुनिए, अभी वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स अ कैशलेस सोसाइटी। हमारा प्रधानमंत्री बोले थे हम लोग कैश को इस्तेमाल करते थे, फिर हम लेस कैश में आएंगे, फिर कुछ दिन के बाद हम 50 दिन में लेस कैश को लाएंगे, अभी 50 दिन के बाद कैशलेस में चले आएंगे। बोलिए हिंदुस्तान उलट जा रहा है, बोलिए बोलिए, घबराइए मत, माइंड डरता नहीं, फिर आप क्यों डरते हैं। माइंड जो पेपर में आता है उनकी बोली जो मैं सुनता हूं उसी के ना बोलता हूं। उन्होंने कहा 50 दिन के पगले अभी लेस कैश का होंगे, लेकिन अभी धीरे धीरे करके कैशलेस होंगे, तो कैशलेस होंगे तो सबको ATM में लाइन लगाया। जब ATM में लाइन लगा ATM का काम ही नहीं आएगा, वो बोलने लगा है कि अभी उंगली लगाओ, फिर कुछ दिन के बाद कहेगा आपका उंगली का काम नहीं, अभी आपके दाहिने हाथ में एक चिप लगेगा, इसी को दिखा के सब्जी दिखाओ, मीट वाला दिखाओ, वो भी मशीन लेके खड़ा रहेगा। भैया समय आ गया, समय आ गया, समय आ गया, समय आ गया। और कोई कहेगा अरे भैया मेरा हाथ है नहीं है, खाद को काट के ले गया दूसरा, वो इस्तेमाल करता, मेरा हाथ से काम कर रहा है, इसलिए माथा पर लगाने का समय आएगा। मैं एकदम साफ बतला रहा हूं, एक समय आ रहा आपके माथा पर कुछ लगने जा रहा। बोलिएगा बगल वाला से, आपके माथा पर कुछ लगने जा रहा है, हाँ लगने जा रहा है। आप कैश भी नहीं ले जाएंगे, प्लास्टिक भी नहीं ले जाएंगे, जाएंगे दुकान माथा खाएंगे, गुरुद्वारा जाने से माथा पटकेंगे, लेकिन अभी दुकान में जाएंगे माथा दिखाएंगे। बगल वाला का हाथ हिला के बोलिए तैयार हो जा, अगर वो मोहर नहीं है ये मोहर लगना ही है, कौन सा मोहर चाहिए, कौन सा मोहर चाहिए, कौन सा मगर चाहिए। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है वो मसीह विरोधी का मोहर है। आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं, पीछे वाला बोलिए आ गया कि नहीं। हम लोग नहीं सोचे थे एक ही रात में 500 और 1000 नोट जो है बंद हो जाएगा, अभी अभी जो है नगदबंदी, एक वक्त में सुने थे संजीव गांधी के वजह से नसबंदी, लेकिन अभी नगदबंदी हो गया, अभी कुछ क्या बंद होने जा रहा पता नहीं। भैया तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा, अगर नहीं है आज उस परमेश्वर को मोहर को अपने माथे पर लेने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि वो आ रहा है, वो मेरा यीशु आ रहा है। जब आएगा मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है बादलों पर आएगा, वो अपने लोगों को ले जाएगा जो उसके जीवन बिताएं पवित्रता में लगे, और उनके दिल में कोई दोष नहीं पाया जाता है। इसलिए मेरा बाइबल इसी वचन के साथ साफ करता है, जो पवित्र है और पवित्र हो जा, जो धर्मी है और धर्मी हो जा। इसलिए मैं पवित्रता के लिए चिंता करता हूं, पवित्रता को चिल्ला के लोगों को सुनाता हूं पवित्र बनो। इसलिए मैंने कल गीत गाने वालों को बनाया, आपका गीत अगर दिल को परिवर्तन नहीं करता आपका और AAR रहमान का कोई अंतर नहीं है। बॉम्बे में तो कई लोग गीत गा के नाचने के लिए सीखे हैं, लेकिन दिल परिवर्तन के लिए कोई गीत नहीं गाता है और दिल परिवर्तन का काम होता भी नहीं है। लेकिन मैं ये कहने के लिए चाहता हूं पवित्र बनो और पवित्र बनो और पवित्र बनो और पवित्र बनो, क्योंकि मेरा यीशु आ रहा है, मेरा मसीह आ रहा है।
पूरी तैयारी हो रही है, मेरा मसीह आ रहा है, पूरी तैयारी हो रही है, हमेशा वो राज करेगा, मैं उसका हूँ, वो हमारा।